तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार बिरयानी, यानी मिंट बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं कि इसके लिए 1 किलो जो है वो बीफ लिया है, ठीक है, और 2 गठी जो है पुदीना लिया है यानी 2 बंच, और 5 से 6 अदद जो है वो टमाटर लिए हैं, और मसाला जार जिसमें हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1/2 जो है जायफल लिया है, 3 अदद जो है वो बड़ी इलायची, और 3 बड़ी स्टिक्स ली हैं दालचीनी की, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून जो है सूख मिर्च का पाउडर, और 8 से 10 जवे जो है हमने लहसुन के लिए हैं, 1 टेबलस्पून लिया है काली मिर्च, और फूड कलर लिया है जो आपकी मर्जी जितना आप लेना चाहें, और 700 ग्राम लिया है प्याज, और 8 से 10-12 अदद जो है वो ली है सब्ज मिर्च। अब मैंने जो है वो चावल बनाने के लिए जो है वो पानी ऊपर चढ़ा दिया, तो इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो नमक के ऐड करूँ, 1 किलो मेरा बीफ था और 1.5 किलो चावल, ये नमक था, डाल के जो है पानी को बॉइल होने के लिए रख देंगे ताकि हम चावल जो है वो अपने जब तक हम सालन बनाए तब तक सालन बनाए तब तक चावल जो है वो रेडी हो जाए। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें मैं जो है सालन बनाने के लिए इसका इसमें पहले जो है वो तकरीबन 2 कप जो है 2 ग्लास जो है पानी ऐड करूँगी, इसमें प्याज डालूंगी अपना 700 ग्राम, आठ से दस जवे जो है वो लहसुन, वन के जी बीफ, छः से सात जो है वो टमाटर, दस से बारह सब्ज मिर्च जो कि मैंने 4 पीसों में काट ली थी, दो टेबलस्पून नमक, और नमक आपने याद रखना है कि 1/2 नमक हमने ऐड करना है सालन में और 1/2 जो है चावलों में ऐड करना है, दो टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कप जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे, अच्छे से सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं उनको मिक्स कर देंगे, साथ ही आपने जो गरम मसाले रखे थे साबुत गरम मसाले वो भी ऐड कर देने हैं, 3 बड़ी स्टिक्स ली थी मैंने दालचीनी की, 1/2 जायफल, 3 अदद बड़ी इलायची, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 से 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है, इनको मिक्स कर लेना है। वो ऐड करने के बाद मैंने इसको जो है वो 10 से 15 मिनट का जो है वो प्रेशर लगा दिया ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से बीफ पक जाए। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि पानी जो है वो बॉयल हो रहा है चावलों के लिए, तो अब इसमें चावल जो है वो अपने 1.5 केजी चावल जो है वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, चावल जो है वो एक साइड पे पकने के लिए चावल जो है वो रेडी हैं, हम इनका पानी जो है वो उतार लेंगे, 2 पनीर रख के हमने चावलों को जो है वो पकाया है, अब हम इनका पानी उतारने लगे हैं। ये हमारा जो है वो हमने प्रेशर जो है वो डाल दिया था 10 से 12 मिनट के बाद, तो अब हमारा सालन जो है वो अच्छे से पक रहा है, अब हम इसमें 2 गठी जो हमने लिया था पुदीना वो ऐड करेंगे ताकि पुदीना जो है वो भी पक जाए और अपनी जो है वो खुशबू जो है वो उसके अंदर छोड़ दे। ये जो है सालन पक रहा है, रेडी है बिल्कुल, तो आपने यही जो है इसके सालन की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी, इस तरह से
इतना ही थिक होना चाहिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि ये मसाले कैसे, ये बिरयानी आपकी कैसी बनी। और अब हम इसकी लगाएंगे दही। पहले जो है वो चावलों की एक लेयर लगाई है, अब हम इसके ऊपर जो है वो अपना सालन डाल देंगे। बहुत ही उम्दा खुशबू है, बहुत ही अच्छी है, ये स्पेशल है बिरयानी। जब भी किसी गेस्ट ने हमारे घर आना हो तो हम इसको ज़रूर बनाते हैं। अब हम इसके ऊपर फिर चावल की एक लेयर जो है वो लगा देंगे अच्छे से। तो व्यूअर्स, दूसरी चावलों की लेयर थी, अब फिर इसके ऊपर जो है वो सालन ऐड करेंगे। चावल जो है आपने दो कनी रख के ही पकाने हैं, इसलिए आपके चावल जो है वो अलग-अलग, हर चावल का जो दाना होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। जी तो व्यूअर्स, हमारी जो है सालन की लास्ट लेयर थी, अब चावल लास्ट स्टेप में हम इसके ऊपर चावल ऐड करेंगे। और चावल ऐड करने के बाद हम इसको जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है वो हल्की सी आंच पे, दम पे इसको रख देंगे ताकि चावल जो है वो अच्छे से पक जाए। लेकिन याद रखिए कि चावल आपने दो कने ही छोड़ने हैं जब आपने बॉईल करना है, ताकि चावल जो है अलग-अलग दाना, जैसे कि ये हैं कितने खूबसूरत अलग-अलग दाना जो है वो नज़र आ रहा है, ऐसे ही आपने करना है। वो दम पे रख दिया है, अब इसमें साथ ही जो है वो फूड कलर ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दम जो है वो आ चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे फीडबैक देना है कि कैसी बनी। अब हम चावलों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो मिक्स हो जाए, सारे चावलों में मिल जाए। मैंने बिरयानी को डिश आउट कर लिया है, सर्विंग प्लेट में निकाल लिया, बिल्कुल रेडी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि कैसी बनी ये तय वाली बिरयानी है। आपने बिल्कुल इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।